एक सेकंड, पहले बैठ जाती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। पहले 4 दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैं मेरे गांव गई थी, एरोप्लेन से नहीं, बाइक से गई थी। बाइक से मेरे भैया छोड़ने गए थे, और मेरे क्यों ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी मैं, आप लोग मेरे गांव आप लोग को दिखाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं दादा के कैमरा से बनाती हूँ, इसलिए आप लोग को नहीं दिखा पाई। करीब एक साल होने वाला है मैं मेरे गांव नहीं गई थी, और मेरे पापा को भी नहीं देखी थी, और मेरे भाई, मेरे छोटा सा भाई भी है, वो अभी छोटा सा तो नहीं है, बड़ा हो गया, लेकिन मेरे से तो छोटा है, तो मैं छोटे ही बोलती हूँ। वो अभी 10th ख़त्म नहीं हुआ उसका, चल रहा है अभी। मम्मी को तो देखी थी मेरे पहले वाले वीडियो में, आप लोगों को शुरुआत में मेरे मम्मी को दिखाई थी मैं, नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखना। मम्मी को देखी थी, लेकिन पापा और भाई को नहीं देखी थी मैं। और एक चीज़ है कि मेरी एक दीदी है, उसका शादी हो गया है, और एक खास बात है कि दी का एक बच्चा भी है, यानी मेरा भी बाबू का 1 साल हो गया है, तो मैं उसको नहीं देखी थी। हाँ, इस बार राखी में नहीं, अगले बार रक्षाबंधन में मैं बाबू को देखी थी, तो बहुत छोटा था वो, इतना ज़्यादा ऐसे गोदी में पकड़ने का उतना ज़्यादा छोटा था, मुझे अच्छे से पकड़ भी नहीं आता है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन इस साल अभी अच्छा खासा चल लेता है बाबू, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। बाबू बहुत बड़ा हो गया है और बहुत बदमाशी करता है। बाबू जो है दी का, बहुत बदमाशी करता है, पता नहीं दी कैसे संभालती होगी। तो बाबू जो है बहुत बदमाशी करता है, मैं वहाँ 3 दिन रही थी, 3 दिन नहीं 2 दिन रही थी, कैसे गई मैं आप लोग को बता देती। यहाँ से तो बाइक में गई, एक दिन बस, एक दिन गांव में रही, उसके बाद बहुत दिन हो गया मैं दीदी को नहीं देखी थी और बाबू को भी नहीं देखी थी, तो मैं लिफ्ट लेकर गई खरियार तक। जीजू को फ़ोन लगाई तो बिजी थे, तो मैं बस से गई टुकला तक। टुकला एक है, एक टाउन, छोटा सा टाउन है नेपाल डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद मुझे जीजू लेने आए, उस गांव भी आप लोग को दिखाना चाहती थी मैं, मेरे दीदी और बाबू और मेरे जीजू को भी आप लोग से मिलाना चाहती थी, लेकिन अब मैं आप लोग को तो बता ही हूँ 2 मिनट पहले कि मेरे पास कैमरा नहीं है, तो मैं नहीं दिखा पाई। तो जब भी मैं गांव जाऊंगी नेक्स्ट टाइम, मैं आप लोग को मेरे गाँव और मैं दी के घर जाऊँगी, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग को मैं दिखाऊँगी। इधर बहुत साउंड आ रहा है, तो चलते हैं थोड़ा आगे। तो मैं गांव में बहुत दिन रहने वाली थी, लेकिन क्या करूं, मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी, इसलिए तुरंत आना पड़ा। मैं कल आई और पैसेंस ही नहीं था ऐसे बस से आने का, तो मैं आप लोग को उस समय वीडियो नहीं बना पाई, और बहुत नींद लग रहा था, तो मैं सो गई। और अभी उठी, अभी तक नहीं उठी, बहुत देर हो गया, सवेरे उठी और आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ, मैं आज से मैं रोज़ ब्लॉग डालूँगी, और मैं आ गई हूँ नयापरा, मैं आ गई हूँ, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।